हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल अमीर बर्ड आइवरी में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि अपने बजिज पैरेट को मैं मटकियां दूंगा, तो मैंने मटकियां लगाई हैं। हर एक मटकी की जो एंट्री की जगह है वो मैंने अलग अलग जगह रखी है। जैसे ये फ्रंट साइड में हो गया, ये वाला जो है लेफ्ट साइड में, इस तरह हमें मटकियां लगाना है। इससे बजिस के अंदर फाइट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी जब आमने सामने होंगे तो बजिस पैरट जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉलोनी के अंदर इनकी ब्रीडिंग लेते वक्त हमें जो है मेन चीज़ वही ख्याल रखना है कि बर्ड लड़ाई ना करें। और जैसे कि ये 6 पैर हो गए, तो 6 पैर के लिए मैंने 8 मटकियाँ लगाई हैं और 6 जो हैं ऊपर के साइड में हैं। जैसे इस साइड के अंदर 3 मटकियाँ हो गई, इस साइड में 3 मटकियाँ हो गई और नीचे जो है एक एक लगाई है मैंने। और बजी जो है मटकियाँ अभी सिलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, उसके साथ अंदर जा रहे आ रहे। और हर कोई बर्ड अपने अपने पैर सेट करके बैठा है अभी। और हर एक हॉबीस्ट जो है, चाहे उसके पास मकाऊ हो, कोई भी बर्ड हो, उसकी हॉबी जो है स्टार्ट बजी से ही होती है। और माशाल्लाह से इनके आप कलर वगैरह भी देख लो, बड़े ज़बरदस्त कलर के अंदर हैं ये पूरे। आगे जो भी अपडेट वगैरह होगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इनका सॉफ्ट फूड जो है मैं अलग देता हूँ बजिस पैरेट के लिए, वो भी आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। उसके साथ जैसे अभी गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो दोपहर के वक्त मैं वेजिटेबल भी देता हूँ। जैसे आज ये बीट रूट है, उसके बाद वाटरमेलन है। इस तरह मैं अलग अलग सॉफ्ट फूड जो है हमेशा देता हूँ अपने बर्ड्स को। आगे आपको इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी शेयर करूँगा, इन्हें किस तरह केयर करना है सर्दियों के अंदर, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसी के साथ में जब भी हम पेयर सेट करते हैं, इसके अंदर एक आता है ब्लू सीरीज का बर्ड, यानी ये वाला, वर्किंग के अंदर ज़्यादा इसे ही इस्तेमाल करते हैं। और आपको अगर अच्छे कलर चाहिए रेनबो में, क्लियर विंग में, तो हमें अपने बर्ड्स की पेयरिंग जो है येलो फेस के अंदर करनी है। कुछ लोग येलो फेस भी बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं गोल्डन फेस भी बोलते हैं। गोल्डन फेस या फिर येलो फेस की हम अगर पेयरिंग करेंगे, जैसे ये मेरे पूरे जो हैं येलो फेस वाले ही हैं, इससे रिज़ल्ट जो है हमें माशाल्लाह बेहतरीन मिलता है। यानी आपको इसके अंदर से रेनबो मिलेंगे, क्लियर विंग मिलेंगे, ऐसे मल्टी कलर के बहुत सारे वैरायटी इसके अंदर से आपको मिलेगी। और इसके अंदर मेल फीमेल पहचानने का तरीका जो है, मेल की नोज़ जो है वो पूरी ब्लू कलर की होगी और फीमेल की जो है वो ब्राउन होगी। अगर फीमेल हीट पर होगी तो ब्राउन होगी, या फिर नॉर्मल जो है वाइट कलर में हो जाती है फीमेल की। जैसे ये अभी फीमेल मटकी में जाना स्टार्ट कर दिया। इसकी पेयरिंग जो है वॉयलेट कलर के अंदर फीमेल है और माऊ रेनबो के अंदर जो है मेल है। वीडियो के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ायदे की लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसी के साथ में बजिस पैरट की ब्रीडिंग भी लेना बहुत आसान है। यानी इनकी ज़्यादा कोई नखरे वगैरह नहीं रहते, हर तरह के माहौल के अंदर ये ब्रीडिंग कर देते हैं। आप चाहे इसे गली के अंदर रख लो, ज़्यादा रश वाली जगह पर रखो, आप कहीं पर भी इसकी ब्रीडिंग ले सकते हो।
जैसे कोकाटेल को प्राइवेसी चाहिए होती है, उस तरह इनकी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आप अच्छा फूड दो, अच्छे सप्लीमेंट दे दो और ब्रीडिंग के लिए एक बड़े साइज़ की मटकी दोगे तो ये ब्रीडिंग भी अच्छी करेगी और इनका एवरेज जो है ब्रीडिंग का वो भी अच्छा रहता है। यानी 4 से लेकर 6 तक ये नॉर्मली एक दे देते हैं, उसमें से पूरे के पूरे चिक्स भी पैर जो है अच्छे तरीके से फीडिंग करके बड़े करते हैं। कोई कोई पैर तो 8-8 भी अंडे दे देते हैं। और इनकी ब्रीडिंग एज जो होती है, अच्छी ब्रीडिंग जो है इनकी 8 महीने से लेकर 10 महीने के एज में आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें ब्रीडिंग में 4 महीने में ही लगा देते हैं। उसकी वजह से बर्ड की साइज़ वगैरह जो है उतनी डेवलप नहीं होती और लाइन भी जो है वीक हो जाती है। यानी कम एज के अंदर बर्ड ब्रीडिंग पर लगाने से उसके अंदर जो चिक्स निकलते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते, उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसकी वजह से चिक्स एक्सपायर वगैरह हो जाते हैं, डेड इन शेल का प्रॉब्लम आता है, फर्टिलिटी नहीं आती। जितनी भी मेरे पास है इनके साइज़ वगैरह जो हैं फुल हेवी साइज़ के अंदर हैं बर्ड्स, और इनकी तकरीबन एज जो है 10 महीने से लेकर 12 महीने इस एज के अंदर हैं। और एक भाई का कमेंट आया था मुझे, यानी अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, आप मटकियाँ क्यों लगा रहे हो? मुझे खाली इनका रिज़ल्ट देखना है, यानी कौन कौन से पैर के अंदर से कौन सा रिज़ल्ट आता है, नहीं तो अगले सीज़न के वक्त मुझे वो पेयरिंग को जो फोड़ कर अलग अलग पेयरिंग बनाऊंगा। फिर जो मैंने मंगवाई है उसी पेयरिंग के साथ मैं ये फर्स्ट क्लच लेके देखूंगा इनका मैं, इसके अंदर से रिज़ल्ट का मुझे भी नॉलेज होगा, यानी किस किस पैर के ज़रिए मुझे कौन कौन से चिक्स मिल सकते हैं। इसके लिए मैं ये ब्रीडिंग ले रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।